देवताभ्यो नमो नमः धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं समर्पयामि तत्पश्चात् प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं समर्पयामि ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु आदित्यादि ग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं समर्पयामि तत्पश्चात भगवान भूत भावन शिव को प्रणाम करिए ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरि निभं चारु चंद्रावतं सं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतु मम गणैर् व्याधिकृत्यं वसानं विश्वान्दं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ यां प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शिरसा नमामि नीलाम्भुजस्यां मलकामलांगं शीतासमारो पितुवाम भागं पाणौ महाशय एके चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बंदौ राम लखन वैदेहि जायक भगति विपति भंजन सुखदायक ओम श्री सीता रामाय नमः कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयार्वंदय भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय जानकीनाथ प्रभु जय जय श्री रघुनाथ दो कर जोरे बिनवा दो कर जोरे बिनवा प्रभु मेरी सुनो बात ओम जय जानकी पथर्या पहर्या ने अढ़ा पाथर्या ने अर्धा ऊपर ओढ़ाड़ा राम ने अर्धा ऊपर ओढ़ाड़ा राम चारे छेड़े चारे छना डोली डगमग जाए हो
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ति श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram Jai Ram, Jai Jai Ram.
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय मुदा मुनि प्यार
श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सद्गुरु देव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा कुमार राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म रति पुर नर भरत प्रीति में गाई 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 मति अनुरूप अनुप सुहाई मति अनुरूप अनुप सुहाई मति अनुरूप अनुप सुहाई मति अनुरूप अनुप सुहाई पुर नर भरत चरित सुनहु अति पाव अब प्रभु चरित सुनहु अति पाव अब प्रभु चरित सुनहु अति पाव करत जे मन सुर नर मुनि पावन करत जे मन सुर नर मुनि पावन प्रभु चरित सुनहु अति पावन अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे मन सुर नर मुनि भावन सुर नर मुनि अब प्रभु चरित सुनो अति पावन अब प्रभु चरित सुनो अति अब प्रभु चरित सुनो अति पावन अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जे मन सुर नर मुनि भावन करत जे मन सुर नर मुनि भावन एक बार चुनी कुसुम सुहाए 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 नील कर भूषण राम बनाए नील कर भूषण राम बनाए
रही पहिरा हे प्रभु सादर सीतही पहिरा हे प्रभु सादर सीतही पहिरा हे प्रभु सादर सीतही पहिरा हे प्रभु सादर बैठे पटीत सिला पर सुंदर 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 अब प्रभु चरित सुनो अति पावन अब प्रभु चरित सुनो अति पावन अब प्रभु चरित सुनो अति पावन नारायण 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 ओम नारायण आइए भगवान शंकर भगवती भवानी को भगवान श्री रामचंद्र का ये पावन चरित्र सुनाते भवानी मैंने अवधवासी और भरत जी के चरित्र को अपने मति अनुरूप बड़े प्रेम से गाया अब अगला प्रभु का जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है अति पावन बन के सुर नर मुनियों के हित के लिए भगवान जो चरित्र करते हैं वो तुम सुनो भगवान शंकर ने भवानी को सावधान किया कि पूर्व जन्म में तुमने इसी चरित्र में भूल की थी जरा सावधान रहना रास्ते में चलते चलते यहां कल मेरा पैर फिसल गया होता तो आज मैं सावधान हो जाता कि ओ ये वही जगह है भगवान शंकर ने कहा भवानी जरा सावधान हो जाना अब प्रभु का वही चरित्र आगे आ रहा है उमा राम गुण गूढ पंडित मुनि पावई बिरत भवानी ये मेरे प्रभु का चरित्र बड़ा गूढ़ है बड़ा रहस्यमय है जो पंडित है जिनकी बुद्धि सत्य असत्य का विवेक करती ऐसे लोगों को तो वैराग्य मिलेगा साधना में सफलता मिलेगी और पावही बोह विमूढ जो विमूढ़ विशेष रूप से जो मूढ़ है मोहित है जिनकी बुद्धि में वैचित्र हो गया है ऐसे लोग यहां पर फिसल जाते हैं पावही बोह विमूढ ये वो स्थान आ रहा है हिमालय हम लोग जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं तो सावधान सावधान लिखा हुआ होता है रास्ते संभावित दुर्घटना स्थान लिखा हुआ है यहां कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं जरा आप अपनी घड़ी को संभाल के चलाएं भगवान शंकर ने अरण्य कांड के प्रारंभ में भवानी को सावधान किया कि भवानी भले भले यहां से भूल कर दे तुम जरा सावधान इस प्रसंग के प्रारंभ में ही ये बड़ा प्यारा चरित्र बताया कि एक समय की बात है भवानी एक सुबह स्नान आदि करके भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हाथों से सुगंधी सुगंधी अच्छे अच्छे फूल चुने और अपने हाथों से गजरा बनाया और सीता ही
पहनाए प्रभु सादर, और अपने हाथों से सीता जी को वो पहनाया। अर्थात कहे भगवती, अब देखो तुम्हारा चरित्र यहां से प्रधान हो। सीता जी को भी भगवान ने सावधान किया कि देखो अब यहां से तुम्हारे चरित्र की प्रधानता है। बैठे ही थे देवता, प्रतिदिन भगवान का रूप और उनके चरित्र का दर्शन करने आया करते थे। बड़े बड़े देवताओं ने आकाश में देखा, उनके मन में ये भ्रम हो गया कि ये कोई भगवान है और पत्नी को फूल पहना रहा है। बस ये लीला देखते ही देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के मन में मोह हो गया। सोचा कि इसमें तो कोई भगवान जैसा लगता नहीं, ये तो साधारण आदमी की तरह अपनी पत्नी को सजा रहा है, ऐसा कैसा भगवान। सारा संसार जिसको सजाता है, अगर भगवान को किसी ने फूल चढ़ाया होता, हार माला चढ़ाई होती, तब तो बात दिमाग में बैठती। भगवान ने सीता जी को हार पहनाया और जयंत का दिमाग खराब हो गया। सोचा कि इसकी जरा परीक्षा करनी चाहिए। सुरपति सुत धरी पायस बेसा, उन्होंने कौए का रूप धारण किया। और भगवान कितने बलवान है, किसी के परवश होना ये कमजोरी की पहचान होती। पत्नी के परवश हो, सेठ के या और किसी के वश में होना ये कमजोरी की पहचान है। देखते हैं जरा इसमें शक्ति कितनी है। भगवान शंकर ने कहा, सच चाहत रघुबली रघुपति बल देखा, वो रघुपति का बल देखना चाहते हैं और कौए का वेश बनाया। सीता ही चरण चौंच हति भागा, सीता जी के चरण में वो चांच मार करके भागा। कई लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि सीता जी के वक्षस्थल पर चरण और चांच दोनों मार के भागा, चरण चौंच समाहार द्वंद। कोई भी हो, यहां पर जो पाठ है वो सीता ही चरण, सीता जी के चरण में चांच मार के भागा। वाल्मीकि रामायण में वैसा ही लिखा है, मूड मंद मति कारण कागा, इस कौए की बुद्धि बिगड़ गई। आज भगवान रामचंद्र ने देखा कि सीता जी के चरण में से खून निकलने लगा। अब जिस सलाका से वे वो हार बना रहे थे, फूल का गजरा बना रहे थे, वो सलाका थी हाथ में, और भगवान ने अपनी मंत्र शक्ति से वो छोड़ी पीछे सलाका। शिकर जो वो तन का था वो भगवान ने छोड़ दिया, वो ब्रह्मास्त्र बन गया और कौए के पीछे भागा भागा। देखता है अभी ये आया, अभी पकड़ेगा, अभी मार देगा। भागते भागते स्वर्ग में गया अपने पिता के पास। इंद्र ने कहा भाग जाओ वरना मैं भी नौकरी वाला आदमी हूं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं हमारे से कुछ नहीं होता, महादेव के पास जाओ। महादेव ने कहा कि राम का विरोध करने वाला यहां आएगा तो मैं। किसी ने उनको रखा, व्याकुल सब लोका, पूरे लोक में व्याकुल होकर। नारद जी ने देखा कि विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, दया। अरे भाई जयंत तुमको क्या हुआ, क्यों भागे भागे जा रहे, महाराज पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है और मैंने ये भूल की। अब कहां जा रहे हो, बोले वैकुंठ जा रहा हूं मैं, कैलाश से आ रहा हूं। भगवान महादेव ने कहा कि भाग जाओ जल्दी, राम जी के अपराधी के साथ में बात नहीं करो। अब महाराज जाऊं कहां, बोले कहां तुम भटक रहे हो, जहां तुमने अपराध किया वहीं जाओ, जहां गांव हो वहीं दवा लगाओ, जहां मोच आ गई वहीं पर मलहम लगाओ। दर्द हो रहा है कहां,
बीमारी कहां और दवा कर रहे हो कहां? लोग धोखा देते हैं दुकान में और माफी मांगते हैं मंदिर। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं होता, ये कभी चलता नहीं। गड़बड़ी करेंगे बाजार में और क्षमा याचना करेंगे मंदिर में, धोखा देंगे ग्राहक को और माफी मांगे महाराज श्री से, महाराज जी आप आशीर्वाद, ऐसा कैसे चलेगा? लागी दया कोमल चित संता, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, जयंत को वहीं पर भेजा और भागा भागा वो कागा आया। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, सीता जी के चरणों में लौट पोट हो गया, क्षमा याचना कर, हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राघव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां भक्त वत्सल भक्त वत्सल भक्त वत्सल।